स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट बिहार एसटीईटी 2023 कंप्यूटर साइंस का एग्जाम देंगे उनके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में एल्गोरिथम सब्जेक्ट का टॉप 25 MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन में आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टॉप 25 MCQ जो आपका एल्गोरिथम का है वह हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे लोग का एग्जामिनेशन आपका जो है 12 सितंबर को है बिहार एसटीईटी कंप्यूटर साइंस का, तो हम लोग यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे देखें कि पहला क्वेश्चन जो आपका है कि एन डैश इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस यूज टू एकॉम्प्लिश ए पार्टिकुलर टास्क, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। यहाँ पे एन के जगह पे आपको क्या भरा जो आपका डैश है, तो यहाँ पे जो आपका एल्गोरिथम होगा कि फंक्शन होगा कि प्रोग्राम होगा कि प्रोसीडर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए एल्गोरिथम, एन एल्गोरिथम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका एल्गोरिथम। एन एल्गोरिथम इज डिफाइंड एज सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन यूज टू अकॉम्प्लिश ए पार्टिकुलर टास्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द मेजर ऑफ द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम पॉसिबली टेकन टू कम्प्लीट एन एल्गोरिथम इज एक्सप्रेस एज, इसको कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इसको हम लोग बिगो बोलते हैं। ठीक है, बिगो जो मेजर करते हैं लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम को, जो कंप्लीट करता है एल्गोरिथम को, इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं बिगो से। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए डैश इज ए कॉम्पैक्ट इनफॉर्मल एंड एनवायरमेंटल इंडिपेंडेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम, इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो उसका थ्री का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका है स्यूडो कोड। ए स्यूडो कोड इज कॉम्पैक्ट इनफॉर्मल एनवायरमेंटल इंडिपेंडेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम, तो थ्री का जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्यूडो कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ऑफ एन एल्गोरिथम इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट टू एग्जीक्यूट, जो एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो आपका अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट टू एग्जीक्यूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पोटेंशियल फंक्शनल मेथड इज द टेक्निक दैट परफॉर्म एन एमोर्टाइज एनालिसिस बेस्ड ऑन द, आपका पहला ऑप्शन है फाइनेंशियल मॉडल, कंप्यूटेशनल मॉडल, एल्गोरिथम एनालिसिस, एनर्जी मॉडल। इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एनर्जी मॉडल। ठीक है, जो पोटेंशियल मेथड फंक्शन का जो मेथड होता है टेक्निक उसको परफॉर्म करने के लिए जो आपका एमोर्टाइज एनालिसिस जो होता है बेस्ड ऑन होता है आपका एनर्जी मॉडल। ठीक है, इसके बाद आपका जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, डैश इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम एन एल्गोरिथम टेक टू एग्जीक्यूट ए स्पेसिफिक सेट ऑफ इनपुट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम, कोई एल्गोरिथम जो है आपका मैक्सिमम टाइम ले रहा है वो एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने में, तो उसको हम लोग कौन सा केस बोलते हैं, रनिंग टाइम बोलते हैं, एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, या बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलेंगे। इसको आप क्लियर, आपको क्वेश्चन पढ़ने से ही आपका क्लियर हो गया कि इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। क्यों? क्योंकि कोई भी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने में जो आपका मैक्सिमम टाइम लगेगा जिसको वर्स्ट केस ही बोलेंगे, कम समय में अगर आपका कोई एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करता है तो उसको हम लोग बेस्ट टाइम बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन वर्स्ट केस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखे क्वेश्चन नंबर सेवन, विथ इन द लिमिट डिस विद द बिहेवियर ऑफ ए फंक्शन फॉर सफिशियंटली लार्ज वैल्यू ऑफ इट्स पैरामीटर इज कॉल्ड एज, इसका आपका करेक्ट आंसर होगा एसिम्प्टोटिक नोटेशन। एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो होता है वो इसका लिमिट होता है, विथ इन द लिमिट डिस विद द बिहेवियर ऑफ ए फंक्शन फॉर सफिशियंट लार्ज वैल्यू ऑफ इट्स पैरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द कैलकुलेटिंग द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम टेकन फॉर द
कंप्लीटिंग ऑफ द एल्गोरिथम इज कॉल्ड, जो आपका कैलकुलेट करने में जो आपका लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम टेकन करता है एल्गोरिथम को कंप्लीट करने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिग ओ नोटेशन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर कन्वर्टिंग रिकर्सिव एल्गोरिथम टू नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम स्टोर द वैल्यू ऑफ ऑल डैश पैरामीटर इन द स्टैक इज पासेस बाय वैल्यू। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। जो कन्वर्ट हम लोग करते हैं रिकर्सिव एल्गोरिथम से नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम में जो स्टोर करते हैं वैल्यू को, उसको हम पास बाय वैल्यू पैरामीटर इन द स्टैक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखे, द डैश इज ऑल्सो नोन एज एन एस्केप क्लॉज विच इज यूज टू टर्मिनेट द एल्गोरिथम। ठीक है, इसका आपका करेक्ट आंसर जो आपका है बेस केस। ठीक है, द बेस केस इज ऑल्सो नोन एज द एस्केप क्लॉज विच इज यूज टू टर्मिनेट द एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द डैश एल्गोरिथम इज द कंपेरिजन बिटवीन द एलिमेंट एंड द एरे। जो एलिमेंट और एरे का जो आपका एल्गोरिथम का जो बेसिक ऑपरेशन होता है वो किस एल्गोरिथम से होता है, इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका इंसर्शन सॉर्ट के कारण जो आपका होता है बेसिक ऑपरेशन होता है। द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम इज द कंपेरिजन बिटवीन द एलिमेंट एंड द एरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए कंसेप्ट वेयर लार्जर सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम आर फाउंड बेस्ड अपॉन द सॉल्यूशन ऑफ ए नंबर ऑफ ए स्मॉलर प्रॉब्लम। जो आपका जो लार्ज प्रॉब्लम को जो हम लोग स्मॉलर प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देते हैं, इसका जो आपका जो करेक्ट आंसर है वो डिक्रीज एंड कनके। ठीक है, इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डिक्रीज एंड कनके। 12 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन डिस्ट्रीब्यूशन काउंटिंग टू सॉर्टिंग एलिमेंट इन एन एरे इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इन डिस्ट्रीब्यूशन काउंटिंग टू सॉर्टिंग एलिमेंट इन एन एरे इज एक्यूमुलेटेड सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड ऑफ इनकोडिंग डज नॉट कंसिडर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ सिम्बॉल। इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसको कंसिडर नहीं किया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ सिम्बॉल के लिए, इसका आपका करेक्ट आंसर है फिक्स लेंथ कोडिंग। ठीक है, जो आपका फिक्स लेंथ कोडिंग है इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रिंस एल्गोरिथम स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग ए मिनिमम स्पेनिंग ट्री फ्रॉम, क्या चीज के थ्रू हम लोग करते हैं। इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, एन आर्बिट्री रूट वर्टेक्स के थ्रू हम लोग करते हैं। जो आपका प्रिज्म एल्गोरिथम होता है इसमें हम लोग वर्टेक्स पे काम करते हैं, मिनिमम स्पेनिंग ट्री जो आपका कंस्ट्रक्ट करते हैं आपका आर्बिट्री रूट वर्टेक्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच एल्गोरिथम फाइंड द सॉल्यूशन फॉर द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम ऑफ ए ट्री। जो इसमें से कौन ऐसा एल्गोरिथम है जिसका हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम जो ट्री का होता है, इसका आपका डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। ठीक है, डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच मेथड इज प्रैक्टिकल टू परफॉर्म ए सिंगल सर्च इन एन अनसोर्टेड लिस्ट ऑफ एलिमेंट। इसमें से हम लोग कौन सा मेथड का यूज करते हैं जिसमें हम लोग अनसॉर्टेड लिस्ट ऑफ एलिमेंट को परफॉर्म करते हैं सिंगल सर्च में, इसको इसका करेक्ट आंसर आपका सिक्वेंशियल सर्च मेथड जो है आपका प्रैक्टिकली परफॉर्म करता है सिंगल सर्च इन एन अनसॉर्टेड लिस्ट ऑफ एलिमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश आर द नोड बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन द मेनी सिस्टम प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन फॉर द मैनेजिंग डायनेमिक सेट इज कॉल्ड एज आपका बाइनरी सर्च ट्री। जो आपका 18 नंबर क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर आपका रहा है बीएसटी, बाइनरी सर्च ट्री। आर द नोड बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन द मेनी सिस्टम प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन फॉर द मैनेजिंग डायनेमिक सेट। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें कि द रिकर्सिव
version of a binary search uses a dash structure. जो recursive version जो होता है आपका binary search का, इसमें कौन सा structure का हम लोग यहाँ पे use करते हैं, इसका आपका correct answer है divide and conquer. Option C is the correct. Next question is, in algorithm visualization of bubble sort algorithm, the non-linear curve of the sorted element is close to the N2. ठीक है, इसका ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट ए बैलेंस सर्च ट्री. इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन में जो बैलेंस सर्च ट्री नहीं है, इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बाइनरी ट्री. जो आपका बाइनरी ट्री होता है, ठीक है, यह जो आपका है बैलेंस सर्च ट्री नहीं है. एबीएल ट्री आपका हाइट बैलेंस सर्च ट्री होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखें कि द बाइनोमियल कोफिशियंट इज रिप्रेजेंटेड एज. जो आपका बाइनोमियल कोफिशियंट होता है, इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो आपका करते हैं एनसीके के थ्रू. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन हो सकता है एग्जामिनेशन में कि जो बाइनोमियल कोफिशियंट होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट है एनसीके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज द टेक्निक by which we make a function perform faster by trading space for time. Trading space for time. इसका जो आपका correct answer है option C है. ठीक है, next question आपका है 24. The root node is in the B tree technique has dash limit on the number of children. ठीक है, the root node in the B tree technique has upper limit on the number of चिल्ड्रेन. इसका आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है. इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर अपर लिमिट होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 25 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है. द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव रिटेन एज द फंक्शन ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका करेक्ट आंसर है आपका वैल्यू फंक्शन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट. द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव रिटेन एज द फंक्शन ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड वैल्यू फंक्शन. यही आपका जो है आपका एल्गोरिथम का टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन था, जिसको आने की बहुत ही संभावना है. अगर आपको बिहार एसटीटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड इसके अलावा भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं. अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.